हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। आप पढ़ रहे हैं साउंड का सेकंड पार्ट, जिसका पहला टॉपिक है कंप्रेशन। कंप्रेशन एक्चुअली क्या होता है कि जब साउंड वेव बहुत नज़दीक नज़दीक हो जाए, नॉर्मल से नज़दीक हो जाते हैं तो उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, और वही साउंड वेव जब नॉर्मल से दूर हो जाते हैं तो उसको हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। आप नीचे फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो साउंड वेव है वो बहुत नज़दीक हो गया है तो ऊपर उसको कंप्रेशन में दिखाया गया है एक एरो से। वहीं रेयर फैक्शन को आप देख पा रहे होंगे कि जो नॉर्मल से दूर है उसको हम रेयर फैक्शन से एरो के माध्यम से दिखाए हैं। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? साउंड सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें किसी भी चीज़ का बाउंसिंग बैक होता हो, यानी कि वो इसी उसी मीडियम में फिर से लौट के आता हो। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में अगर हम देखें तो साउंड जा करके और किसी भी एक ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आता है, बस इसी पूरे फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और तीनों ही इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे, ये सभी इक्वल होते हैं। तो ये लाइट केस में रे होते हैं और साउंड के केस में ये वेव होते हैं, बस आपको यही चीज़ बदल देना है। इको एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज़ होता है। इको में क्या होता है कि हम अपने आवाज़ या फिर जो भी आवाज़ हो उसी को हम बार बार सुनते हैं, तो वो इको कहलाता है। एक बंद कमरे में अगर हम चिल्लाएं, अगर वो कमरा अगर खाली हो तो हमारा ही आवाज़ बार बार रिपीट होता है, उसी को इको बोलते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड बेसिकली यहाँ पे होता है। ये किसके वजह से होता है? तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से होता है। कई ऐसे डिवाइसेस में देखा जाता है कि मल्टीपल इकोज फॉर्म होते हैं। एग्जांपल अगर उस डिवाइस का बताएं तो मेगाफोन, स्टेथोस्कोप और ट्रम्पेट, कुछ ऐसे ये एग्जांपल है। ईयरिंग ऐड हो गया, ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ दिख जाएगा। रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें ऑडिबल साउंड जो हमारा होता है, जिससे हम सुन पाते हैं, वो साउंड क्या होता है कि सोर्स से साउंड आना ही बंद हो जाता है, बावजूद इसके उसकी गूंज हमारे कानों तक जाती है। सिर्फ उसी गूंज को हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। आप इसका एग्जांपल देखिए कि कई बार कोई बर्तन अगर नीचे गिरता है तो बर्तन अब टकराना जब बंद हो गया होता है, बावजूद उसके एक गूंज हमारे कानों तक आती है, उस गूंज को रिवर्बरेशन कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो हम कोई भी साउंड सुन सकते हैं जिसका रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज हो। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से कम होती है साउंड वेव तो उसको पहली बात तो हम सुन नहीं सकते हैं, दूसरी बात कि उस साउंड वेव को इंफ्रा साउंड बोलेंगे। वहीं अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है कोई भी साउंड तो उसे भी हम सुन नहीं सकते हैं, और उस साउंड को हम अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। अल्ट्रासाउंड का बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग यूज़ है, जिसको अभी आगे पढ़ेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ होता है ई कार्डियोग्राफी में। ई कार्डियोग्राफी क्या होता है? इसमें हार्ट का अलग अलग जगह से इमेज लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि क्या कहीं हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट अपने शेप में है या फिर नहीं है, या फिर कोई हार्ट को अगर किसी डिजीज़ के माध्यम से अगर कोई भी हार्ट जो है वो अगर अफेक्ट हुआ है तो उसको इकोकार्डियोग्राफी से फाइंड आउट किया जाता है। इसमें जो जिस साउंड वेव का यूज़ किया जाता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड की अगर बात करें तो अल्ट्रासाउंड का यूज़, वैसे तो अल्ट्रासाउंड एक हाई वेव फ्रिक्वेंसी है साउंड का, क्योंकि इसमें 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए इसको हाई फ्रिक्वेंसी वेव में इसको बोला जाएगा, क्योंकि ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज इसको बोल सकते हैं। आमतौर पे क्लीनिंग पर्पज से भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग का मतलब
कि कुछ ऐसे ट्यूब्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे शेप होते हैं जिसमें आदमी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट सीधे न जा पाके, ठीक है, इसलिए उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। इसके लिए उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं उनको भेजा जाता है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स उसमें जाने के बाद से, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव अंदर जाने के बाद से उसकी थोड़ी सी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अपना जाने के बाद से, फिर ये जो साउंड के वजह से सिंपली वहाँ पे क्या होता है कि वो साउंड वेव की वजह से जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो डिटैच्ड हो जाते हैं, और डिटैच्ड होने के बाद से वहाँ पे क्लीनिंग हो पाती है। अल्ट्रासाउंड का एक और भी एग्जांपल हम देखें मेटल बॉक्स में। मेटलिक बॉक्स में जब कोई भी कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के होते रहते हैं, ब्रिजेस के होते रहते हैं, तो इसमें जो मशीनें वगैरह हैं उसमें कुछ होल्स अंदर होते हैं, मेटल ब्लॉक्स के अंदर कुछ होल होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं बाहर से, ठीक। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है उसके स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक एंड डिटेक्टर्स आर यूज टू डिटेक्ट द ट्रांसमिट्स वेव। यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स उसमें भेजी जाती हैं, और अल्ट्रासोनिक वेव उस मेटल ब्लॉक में भेजी जाएंगी तो वो डिटेक्ट करता है, और उस साउंड को बेसिकली डिटेक्ट करेगा, और वो साउंड जो ट्रांसमिट होती रहेगी वो जा करके अंदर ये चीज़ पता लगाएगा कि क्या अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है, क्या उस जो बीच में जगह था क्या उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है तो वो उसको हटाने का काम करेगा। क्लिनिकल यूज़ अल्ट्रासाउंड का होता है। अल्ट्रासाउंड का यूज़ क्लिनिकल क्या होगा, किस जगह पे, स्टेथोस्कोप में होता है। स्टेथोस्कोप में आप देखेंगे कि जो डॉक्टर, हिंदी में उसको शायद आला बोलते हैं, तो उसको डॉक्टर लगाने के बाद से उस हार्ट का पंपिंग रेट देखता है। तो ये उसमें क्या होता है कि एक इलॉन्गेटेड पाइप होती है जिसमें साउंड वेव ट्रेवल करता है, और वो साउंड वेव के ट्रेवल करते हुए वो कई बार रिफ्लेक्शन भी करता है साउंड का, जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल अच्छे तरीके से देखा जाता है, और वो साउंड वेव थोड़ी सी तेज होकर के कान तक पहुंचती है। तो ऐसे साउंड वेव को अल्ट्रासाउंड वेव होती है जो कि हम यूज़ करते हैं हार्ट के पंपिंग रेट को नापने के लिए। सोनार क्या होता है? सोनार का वैसे फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है। सोनार का यूज़ किया जाता है शिप वगैरह में, जिसमें अंडर वाटर ये ऑब्जेक्ट होता है शिप वगैरह, या फिर और भी कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में इसका यूज़ कर सकते हैं जो अंडर वाटर हो, ठीक है। सोनार का काम ये होता है कि इसमें एक ट्रांसमीटर लगा रहता है जो कि ट्रांसमिट करके ये बताता है कि क्या, जैसे कि सोनार से हम अल्ट्रासाउंड वेव भेजते हैं, जो अल्ट्रासाउंड वेव नीचे जाने के बाद से टकरा करके और फिर वापस आती है, तो उसको कैलकुलेट करके बताया जाता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए एक फार्मूला यूज होता है 2D इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो यहाँ पे सिस्टमेटिकली एक चीज़ होती है कि साउंड वेव भेजा जाता है, वो साउंड वेव नीचे जाके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें टकराता है, फिर उससे वापस आता है, उससे डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है कि कितना नीचे अभी जगह है, ठीक। तो ये जगह हो सकता है कि कहीं पे ऊंचा हो, तो वहाँ अगर नीचे कोई भी पहाड़ टाइप का हो या फिर कोई बड़ा पत्थर हो, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस शिप की होगी वो थोड़ी सी नज़दीक आएगी। इससे पता लगाया जा सकता है कि क्या साउंड वेव जो है ये अगर जल्दी आ गई है, यानी कि नीचे ज़रूर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, अगर साउंड वेव बहुत देर आ रही है तो नीचे खाई है। तो इस तरीके से कुछ इसका यूज़ किए जाते हैं सबमरीन वगैरह में। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे। थैंक यू लेट्स स्टडी को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।